हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जो आम बीमारी है, जो हर दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी जकड़े हुए है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। दोस्तों कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर लोगों को हो ही जाता है, चाहे वह कम उम्र का हो या अधिक उम्र का। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारी कैसे होता है। आजकल कम उम्र में ही व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे कि कब्ज, गैस, कमर दर्द, त्वचा रोग, रक्तचाप, दांतों के रोग, हृदय रोग, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसके कारण वह परेशान रहता है अपने जीवन में। दुनिया का लगभग हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वह इन सभी बीमारियों से ग्रसित होता है। जिसे पेट की कोई भी समस्या न हो ऐसा व्यक्ति कहा नहीं जा सकता है कि वो होगा। प्रत्येक व्यक्ति को पेट दर्द, कमर दर्द होता ही होता है। वास्तविक जीवन में और आधुनिक जीवन की जो शैली है वो आज इतनी बदल गई है जिसके कारण हम अपने आप को संभाल नहीं पाते और बेहद हद तक घातक बीमारियों को हम अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह बेरहम कमर दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है और इसे आयुर्वेद तरीके से कैसे ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों दो तीन पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप अजवाइन को तवे के ऊपर थोड़ी धीमी आंच पर सेंक लीजिए तथा ठंडे होने पर धीरे धीरे उसे चबाइए और निगल जाइए। लगातार ऐसे कई दिनों तक, यानी कि एक दो हफ्ता तक करने से इससे कमर दर्द में अधिकतर लाभ पहुंचता है तथा कमर दर्द की बीमारियां जैसी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है। दूसरा तरीका है, जहां पे आपको दर्द हो रहा हो वहां पर 5 मिनट तक गर्म और ठंडे पानी से सेंक कीजिए, इससे लाभ मिल जाता है। और तीसरा कारण ये है कि आप इस कमर दर्द से बच सकते हैं कैसे। सुबह सूर्य उदय के समय 2 से 3 मील यदि सैर पे निकले तो ऐसे व्यक्तियों को कमर दर्द नहीं होता है और वह अपने शरीर से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि 2 से 3 मील चलने के बाद हमारे शरीर के सभी पार्ट पुर्जे सही से काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे कमर दर्द ठीक करने के कुछ उपाय। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके लिए काफी खास हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।